अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कलेजी की रेसिपी मुझसे मांग रही थी, तो मैंने 2 चम्मच ऑयल के अंदर कलेजी को अच्छे से वॉश करने के बाद गरम गरम तेल के अंदर इसमें डाल दिया है, और बारीक कटा हुआ अदरक भी मैंने इसके अंदर काट दिया है। पिसा हुआ हो तो आप पिसा हुआ डाल सकते हैं, और ये छोटा सा टमाटर एक वैसे ही मैंने कटा हुआ रखा था वैसे ही डाल दिया। वैसे मैं टमाटर नहीं डालती, मैं हर चीज़ में दही डालती हूँ, सब्ज़ी वगैरह में तो टमाटर डाल देती हूँ। और 2 चम्मच भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, और इसमें अच्छे से इसके साथ हम भुनाई कर लेंगे, और थोड़ा सा नमक भी इसके साथ ही मैं डाल दूँगी, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए, कम से कम भी 10-15 मिनट मुझे इससे भुनाई करते करते हो गया। 10-15 मिनट तो नहीं, मैं ज़्यादा भुनाई करती हूँ, आप चाहें तो 5 मिनट भी अच्छे से लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए इतने भून लीजिए, और घी अलग अलग दिखने लगेगा इतने भून लीजिए। और ये 2-3 प्याज मैंने काट लिए थे, प्याजों के साथ मैंने हरी मिर्चें, और जो प्याजों के अंदर वो ग्रीन ग्रीन डंठन निकलते हैं वो भी मैं अच्छे लगते हैं, उनकी खुशबू अच्छी लगती है, वो भी मैंने प्याजों के साथ ही काट लिए थे। अगर आपके पास वो सिंपल वैसे प्याज हो तो आप सिंपल प्याज ही ले सकते हैं, तो मैं वेस्ट नहीं करती किसी भी चीज़ को, इसलिए मैंने वो हरे डंठल जो निकल जाते हैं प्याज में वो भी मैंने इसी में काट लिया था, क्योंकि मैं हरी मिर्च वाली कलेजी बनाती हूँ तो ग्रीन ग्रीन सा कलर आ जाता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो प्याज भी इसी के अंदर, प्याजों के अंदर जो ग्रीन ग्रीन निकलता है वो भी इसी के अंदर काट लिया था। तो प्याज़ों को भी मैंने इसके साथ अच्छे से भून लिया था, मैंने वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, बहुत अच्छी तरह मतलब प्याज बिल्कुल गलने लगे हैं। इस तरह से इसके साथ अच्छे से खूब 10 मिनट तक भून लेंगे, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो मैंने पहले डाल दिया था, मिर्च और हल्दी 1 चम्मच भर के इसके अंदर हल्दी डलेगी, और ये वाला जो स्पून मैंने आपको दिखाया है कम से कम 1 भर के ये डलेगा, आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा डालती हूँ तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल सकते हैं, बस हल्दी और धनिया आप जितना बना रहे हो उसके हिसाब से डलेगा। बहुत से लोग प्याज पीस के भी डालते हैं, मैं कभी कभी प्याज पीस के भी डाल लेती हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा, मुझे मेरा आज दिल था कि मतलब जैसे अम्मी बनाती थी ना सारी चीज़ें सौंध के कहते हैं जिसको, कि सारी चीज़ें एक साथ डाली और अच्छे से भुनाई की और पानी डाला और कुकर में सीटी लगा दी। कुकर में तो नहीं, हमारी अम्मी तो हमारे डैडी को चूल्हे का खाना बहुत पसंद था, तो चूल्हे पर ही बनता था, तो ना पक पक के बहुत ही रिस रिस के खाना बनता था, बहुत टेस्टी बनता था, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैं अक्सर, जबकि कुकर माशाल्लाह 3-4 है, लेकिन फिर भी मैं, आपने देखा होगा कि मैं चावल और कुकर सब्ज़ी वगैरह कभी कढ़ाई में कभी भगोने में ऐसे बनाती हूँ, कुकर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 3-4 सीटी लगा दी थी। ये देखिए, इसका घी भी अलग हो गया है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, मतलब जैसे पिसे मसाले की बनती है ऐसे ही हो गया, लेकिन ये थोड़ा दरदरेपन पर रहेगा, मतलब थोड़ा दरदरा सा अच्छा लगता है ना, तो ये इस तरह का हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं टमाटर नहीं डालती, तो थोड़ा सा, वैसे तो बहुत से लोग कलेजी के अंदर दही या खट्टापन डालते नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी दही डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब खुशबू भी आ जाती है और घी घी सा भी आ जाता है, तो अच्छा लगता है बहुत ही, तो मैंने इसलिए दही डाली थी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, दही और टमाटर स्किप कर सकते हैं। तो बस अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, घी अलग हो जाएगा, और बस हल्के हल्के बस इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करनी है, गोश्त की या किसी भी चीज़ की, सब्ज़ी वगैरह बहुत सी ऐसी होती हैं जिसके अंदर से पानी निकलता रहता है भुनाई करते रहो, तो बस मैंने इसकी बहुत ज़्यादा 2-3 सीटी लगाने के बाद, मैंने पहले भी कच्ची की भी भुनाई की, और क्या कहें जब पक गई तो उसके बाद भी मैं इसकी लगातार भुनाई करती रही। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी मेथी डाल के और 5 मिनट दम पे रख दूँगी, ताकि सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, उसके बाद ये हो जाएगी रेडी। और हरी मिर्च भी आप ऊपर से काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये देखिए हरी मिर्च और हरा धनिया, मेथी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और 5 मिनट में इसको ऐसे ढक के रख दूँगी, लीड लगा के रख दूँगी ताकि घी ऊपर आ जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये आसान सी रेसिपी समझ में आ गई होगी, मैंने कोई भी तामझाम से आपको रेसिपी नहीं बताई है कि प्याज पीसो लहसुन अदरक अलग अलग पीसो, मैं जैसे बनाती हूँ मैंने ऐसे ही आपको बता दी है आसान तरीके से। तो अगर आपको कुछ समझना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।